आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मौसम की गर्मी के साथ यूपी में सियासत का पारा भी अब हाई हो गया है, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों के साथ अब नेताओं के भी बागी तेवर दिखने लगे हैं। दरअसल योगी सरकार के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी से उनकी नाराजगी का कारण है सपा नेता रईस शुक्ला। उन्होंने रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन करने पर दुख जताया। पहली बार खुलकर सामने आए नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ सपा प्रत्याशी के रूप में साल 2022 विधानसभा के चुनाव में हारे रईस शुक्ला को पार्टी में शामिल किया जाना घोर अपमानजनक है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए, बिना मुझे बताए रईस चंद्र शुक्ला को उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया और उसको घोर अपमान बताते हुए नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने साफ तौर पर खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निकाय चुनाव से पहले नंदगोपाल गुप्ता की नाराजगी कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी ना बन जाए, क्योंकि नंदगोपाल गुप्ता नंदी लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पार्टी में शामिल किया जाना घोर अपमानजनक है और ये बयान उन्होंने रईस चंद्र शुक्ला के खिलाफ दिए हैं। तो अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नंदगोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी की वजह क्या है और आखिर क्यों पहली बार खुलकर नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आए। तो रईस चंद्र शुक्ला को ज्वाइन कराने पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट से दोनों ही 2017 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, जबकि पूर्व सपा नेता को भाजपा में ज्वाइन कराने से काफी नाराज दिखाई दिए नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जबकि स्थानीय नेता का अपमान कर विपक्षी नेता को पार्टी में जगह दी गई है। तो ये थी नंदगोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी की वजह, जिस वजह से अब वो खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। तो रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में नाराज किए जाने पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी काफी नाराज हो चुके हैं और यूपी सरकार में एक बेहद ही बड़ा पदभार ग्रहण करने वाले नंदगोपाल गुप्ता नंदी अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यूपी में आयोजित किया और जिसमें नंदगोपाल गुप्ता नंदी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि नंदगोपाल गुप्ता नंदी वही नाम है जो यूपी सरकार में औद्योगिक मंत्री भी है। तो औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ। नंदगोपाल गुप्ता नंदी गुस्से में है। तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी का ये जो गुस्सा है, ये भाजपा का कितना खेल बिगाड़ेगा और भाजपा का क्या नुकसान होगा और इससे किसको फायदा होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से केसी जैन जुड़े हैं और सपा से विवेक कुमार जुड़े हैं। पहले तो मैं आप दोनों का ही प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत करना चाहूंगी। जी केसी जैन जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि निकाय चुनाव से पहले नंदी का ये बयान और ये गुस्सा आखिर क्या दर्शाता है? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये है कि जो भी मामला है पार्टी का अंदरूनी मामला है, और रही बात नंदगोपाल नंदी जी के नाराज होने की, तो देखिए जब उनकी पत्नी का टिकट कटा मेयर का तब वो नाराज नहीं हुए, और किसी के पार्टी में ज्वाइन कराने पर अगर उनको पार्टी के द्वारा सूचना नहीं दी गई तो इस बात का उनको विरोध जताने का पूरा हक है। बिल्कुल। और उन्होंने यही बात पार्टी के सामने रखी है, पार्टी के हाईकमान के सामने रखी है कि कम से कम अगर ऐसा व्यक्ति जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुका है अगर उसको पार्टी कहीं पे ज्वाइन करा रही है और वो विपक्ष की पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहले रहे हैं, अब कोई चुनाव भी इस तरीके का नहीं है, तो ऐसे में अगर उनको पार्टी ज्वाइन करा रही है तो कम से कम हमें सूचना होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए कहीं पे कोई विरोध नहीं है, कहीं पे नंदगोपाल नंदी जी किसी भी प्रत्याशी किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कहीं नहीं खड़े हैं
जो कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी ना हो या पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो उसके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसे जैन से अभी आपने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो अगर ये पार्टी का अंदरूनी ही मामला था तो इसे अंदर ही अंदर निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये तो खुलकर मीडिया के सामने आ गया। नहीं देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये है कि माननीय नंदगोपाल नंदी जी एक बड़े कद्दावर पद के पदाधिकारी हैं और वो इस प्रकार से हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लेना चाहिए था और उन्होंने अपने इस चीज को जाहिर किया है। और अगर उन्होंने कोई बात पार्टी हाईकमान के सामने जाहिर की है तो ये तो उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं या मेयर पद का ऐसा प्रत्याशी जो कि उनकी पत्नी का टिकट काट करके कार्यकर्ता को वहां पर टिकट दिया गया है, तो कहीं पर भी कोई नाराजगी उस तरीके की नाराजगी नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा से एक चूक हुई है कि उन्हें नंदगोपाल गुप्ता नंदी को पहले बताना चाहिए। देखिए ये एक सामान्य सी बात है और जिस क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है अगर पार्टी में कोई ज्वाइन करता है तो पहली बात तो उसी के माध्यम से ज्वाइन करता है, अगर उसके माध्यम से नहीं ज्वाइन करता है तो जानकारी तो दी जाती है। लेकिन हाँ चूंकि चुनाव है, चुनाव के देखते हुए अगर कोई जो विधायक पद का प्रत्याशी रहा हो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है और अपनी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाता है तो जाहिर सी बात है पार्टी को उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बिखरे हुए वोट है वो भी पार्टी को मिलेंगे। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि चूंकि जस्ट चुनाव है इन चीजों को ध्यान में रख करके आनन फानन में एक निर्णय लिया गया और उनको पार्टी ज्वाइन करा दिया गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और माननीय नंदगोपाल नंदी जी और पूरी कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वरिष्ठ नेता है, सब लोग बैठ करके उस पे चर्चा कर लेंगे। अगर ठीक है विवेक जी, आप ही के पार्टी से रईस चंद्र शुक्ला ने भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ खुलकर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बड़ा बयान दिया कि पार्टी में शामिल किया जाना रईस चंद्र शुक्ला का घोर अपमानजनक है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि क्या भाजपा अपने ही नेताओं को अब एकजुट नहीं कर पा रही है? विवेक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है जी? विवेक जी मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए एक तो ये भाजपा का आंतरिक मामला है, हालांकि मुझे इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भाजपा का अंतरकला कहीं ना कहीं आज पूरे जग के सामने पुनः उजागर हुआ है। बिल्कुल, इसको कि भाजपा ही स्वीकार नहीं करते कहीं ना कहीं स्थूल मंत्री और इनके दिल्ली तक जो दौड़ते हैं। मैंने कई बार सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश का वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है, और कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा जो इतिहास अपना समय दोहराता है, ये जो आज नंदी के साथ हो रहा है यही कभी नंदी ने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो केसीनाथ त्रिपाठी जी ने इसी तरह सवाल उठाए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सत्य है कि भाजपा के अंदर की जो एक दरार है वो सामने आ चुकी है, अंतरकला सामने आ गई है पूरे देश के प्रदेश के सामने। और नंदी तो स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संचालित की जा रही है। बिल्कुल, तो भाई इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो दुष्प्रभाव है वो भी देश देख रहा है। सच कहने पे सच कहने वाले को जेल भेज दिया जाता है, सच कहने पे सीबीआई उसके सामने उसके पास भेज दी जाती है। भाई सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाया आज देखिए सीबीआई उनको तलब कर रही है, आज तक सीबीआई को याद ना आया, लेकिन जैसे ही सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा की बात की कला सामने आ गई, कहीं ना कहीं सीबीआई उनके दरवाजे पहुंच गई। और रही बात भाजपा एक बहुत ही छोटे स्तर की पार्टी बन चुकी है, इसमें केवल और केवल कंपनी में जिस तरीके से अपने लोगों को लाभ देने की कवायद चल रही है। अब जैसे एक एक एयरपोर्ट को लेकर के पुनः अडानी को जो जयपुर का या राजस्थान का जो एयरपोर्ट दिया गया उस पर जीएसटी नहीं लेंगे। भाई अगर आप अडानी के लिए इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो देश के व्यापारियों के लिए भी दीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि उसको अपने संगठन को कैसे जोड़ करके चलना है, क्योंकि बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इम्पोर्टेड विधायक इम्पोर्टेड सांसदों से इनकी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसा कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्वविद्यालय है जहां से सीख करके लोग दूसरे दलों में जाकर स्वयं को स्थापित करते हैं। आदरणीय केसी जैन भी उसकी मिसाल है, आदरणीय केसी जैन भी तो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है जो आज भाजपा की वाहवाही कर रहे हैं बैठ करके। भाई इस तरह से कई इनके ऐसे नेता, क्योंकि इनके पास जमीनी स्तर के नेताओं का सम्मान नहीं है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यापारवाद के आड़ में ये लाभ को पोषित कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को कारित करने में केवल और केवल जो धन जो मन को स्वीकृत करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि नंदी जी के साथ एक समस्या और है,
अतीक अहमद के प्रकरण में जो 5 करोड़ के आरोप लगे, कहीं ना कहीं एसआईटी गठित हो गई है, जांच एजेंसियों के हाथ, ये भी हो सकता है, एक एंगल ये भी हो सकता है कि अतीक के कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आ रहे हैं, और इससे पहले कनेक्शन पूरी तरह सामने भाजपा भाजपा ने ना कोई नोटिस दी ना कोई जवाब मांगा गांधी से, लेकिन जब जांच एजेंसियां सक्रिय हुई है, एसआईटी बन गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघ को ऐसे देखिए कि इसमें ठीक है, ठीक है विवेक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। तो केसी जैन जी, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अब ये सवाल उठा रही हैं कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ के हत्याकांड और अतीक और अशरफ के परिवार से संबंध उजागर होने लगे थे, यही वजह है कि आप धीरे धीरे करके नंद गोपाल गुप्ता नंदी का पतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी पार्टी। देखिये मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और अभी आपने इन्वेस्टर्स मीट की भी चर्चा की, अगर 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की बात उत्तर प्रदेश में होती है तो समाजवादी पार्टी के अंदर दर्द और पीड़ा दिखाई देती है। यही नंदगोपाल नंदी जी हैं जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा इन्वेस्टर्स मीट हुआ उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से लोग टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं, और जो इन्होंने हमारी बात कही, तो देखिए पहली बात तो ये कि हमारा संघ से भी पुराना संपर्क रहा, और राजनीतिक कारणों में लोग जाते आते अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो चाहे आप देखिए कि नीरज शेखर जी रहे हो, चाहे संजय सेठ जी रहे हो, चाहे आप देखिए भुक्कल नवाब जी रहे हो, सुशीला सरोज जी रही हो, भुक्कल नवाब जी रहे हो, और अशोक वाजपेयी जी रहो, कितने सांसद, कितने विधायक, कितने नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और नंद गोपाल नंदी जी के सामने जो चुनाव लड़े आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो समाजवादी पार्टी बची कहाँ है? समाजवादी पार्टी का न तो कोई नीत है न कोई नियत है, और जिसपे ये आरोप लगा रहे हैं कि अतीक से संबंध क्यों, तो अतीक से किसके संबंध थे, अतीक को किसने माफिया बनाया, ऐसे माफिया डॉन को सम्माननीय माननीय बनाने का काम किसने किया, किसने विधायक सांसद बनाया, किसने टिकट दिया, ये भी जग जाहिर है। ठीक है केसी जैन जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप ही के जवाब ने मुझे एक सवाल और दिया है, वो सवाल ये है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है, भले ही 2 साल की सजा उनको नहीं हुई लेकिन उनको सजा दी गई है और उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, तो फिर हम ये भी कहें कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, आपकी पार्टी भी नए गुंडे और माफिया तैयार कर रही है? किस मामले में सजा हुई है? गुंडा माफिया नहीं है वो। पहली बात तो ये है कि अगर कहीं पे आप धरना प्रेशर भी करते हैं, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और आप राजनीतिक कारणों से अगर धरना प्रेशर देते हैं उसका मुकदमा भी दर्ज है तो उसमें भी सजा होती है। तो नंद गोपाल नंदी जी पर उसी तरीके के धरने प्रेशर को लेकर के सजा हुई है, और उनको 2 साल की सजा भी नहीं हुई है, 2 साल के अंदर की अगर 10,000 का जुर्माना हुआ है, और अभी उच्च न्यायालय में वो विचाराधीन भी है, तो ऐसे में देखिए सजा होना अगर किसी की 2 साल से या 2 साल से ऊपर की सजा है उसकी सजा चली जाए, जब उसके अंदर में सजा है तो डायरेक्ट प्रक्रिया सबके ऊपर लागू है, वही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उनके ऊपर भी लागू है, और ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों की जो सजा हुई है तो सजा गई है, लेकिन आप ये देखिए उसको जो दूसरी बात की आज हमारे चर्चा का मुद्दा आप जान ही रहे होंगे की नंद गोपाल गुप्ता नंदी खुलकर अब भाजपा के खिलाफ बोलने लगे हैं कि उन्होंने कहा कि जो रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल किया जाना घोर अपमानजनक है, तमाम कई ऐसे बयान उनकी तरफ से सामने आए। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी तो खुद ही यात्री हैं, पहले वो बसपा में गए, फिर बसपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर वो भाजपा में गए, ऐसे में वो बात करते हैं विचारधारा की, तो क्या ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता है कि वो खुद ही कई पार्टियों से सफर करके फिर भाजपा में गए हैं और उनकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है? देखिए विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी बहन मायावती को सपोर्ट किया, उनके साथ सरकार बनाई, उसके बाद सरकार उन्हें समर्थन वापस कर लिया, कभी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने चले गए, जम्मू कश्मीर बना दी, और आसाम में देखा जिस
हेमंत विश्वास शर्मा के खिलाफ उन्होंने वाटर टैक्स घोटाला खोला था, उसी को जो है अपनी पार्टी में ले लिया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कहाँ है? जिस येदुरप्पा को उन्होंने कहा था सबसे भ्रष्टाचारी आदमी, उसी येदुरप्पा को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है बहुत ही मतलबी पार्टी है और मतलब की राजनीति करती है, जब उसको जरूरत पड़ती है किसी को तो उसको अपनी पार्टी में ले लेती है और जरूरत नहीं पड़ती उसको निकाल फेंक देती है। ठीक है, तो हमने सब तरह देखा बीजेपी के अंदर, और जैसे हमने देखा एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया सीबीआई इंडिकेटर दिखा के। तो भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक स्वार्थ जो है साधना चाहती है, वो राजनीतिक स्वार्थ की पार्टी है, उसको पावर की ताकत की बहुत भूख है, वो ये प्रकरण किसी भी तरह सत्ता बनाना चाहती है, किसी के एमएलए तोड़ दे, किसी के सरकार गिरा दे, ईडी सीबीआई के इस्तेमाल करके लोगों को डराए धमकाए। अभी जो आपके केसी जैन जी कह रहे थे कि बहुत से लोग बीजेपी में क्यों आ गए, तो जो लोग बीजेपी में आए उनको डराया गया है। केसी जैन जी आपकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी की बिल्डिंग गलत बनी हुई है, उस बिल्डिंग का डर उसकी बिल्डिंग ना टूट जाए वो बीजेपी में चला गया है, किसी ने कोई गलत काम किया है वो डर के मारे बीजेपी चला गया है, किसी के पीछे सीबीआई ईडी लगा दी उन्होंने उसको बीजेपी चला गया। तो जो लोग पिछले 10 सालों में बीजेपी में गए उस सबका रिकॉर्ड देखिए, वो सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोगों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। उजागर करते बच्चों को भ्रष्टाचारी लोग, इतने भ्रष्टाचारी लोग थे आज भारत के अंदर भारतीय राजनीति में, सारे भारतीय जनता पार्टी चले गए और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी वसी मिल रही है, वो सारे भ्रष्टाचारियों को लिए ले रही है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी संगीन आरोप लगाए गए लगे हैं। उन्होंने खुद अपने जब निर्वाचन आयोग का पर्चा दाखिल किया तो एफिडेविट में खुद निकला है संगीन नारा लगी हुई, उसको भी ले लिया। अब मैं आपको नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कुछ बताती हूँ बयान, जो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और उनकी हट मिर्ता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं और ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये कौन सी साजिश है सर? क्योंकि ये अब आप ही के जो बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि एक साजिश है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में कौन साजिश कर रहा है उनके खिलाफ? मुस्कान जी, देखिए जब कभी भी कोई भी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है नंदगोपाल नंदी जी का जो कद और पद है तो उनको पीड़ा होना जाहिर सी बात है, और उन्होंने अपनी पीड़ा पार्टी के समक्ष रखी है, पीड़ा रखने का उनको अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे, उनको तो इस बात का डर सता रहा है कि आज मनीष जी अगर बाहर होते, मनीष सिसोदिया जी, तो एक के ऊपर एक फ्री ऑफर दे रहे होते शराब का, बरगला करके एक आदमी दाखिल कर लेते। लेकिन इनका खाता तो खुलता नहीं उत्तर प्रदेश में, खाता तो खुलता नहीं है। तो हताशा और भड़ास जो है वो यहाँ बैठ करके टीवी चैनल पे निकालते हैं, और इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, इनका खाता नहीं खुला, इन्होंने उसके बाद में इसके पहले मेयर के चुनाव लड़ा था, आप ये बताइए आपके मंत्री जो खड़े खड़े आरोप लगा रहे हैं कंपनी की तरफ से आपकी पार्टी चल रही है, और इतनी भ्रष्टाचार भी कब तक डूबे, साथियों को पोषित करने वाले आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, इतने कम समय में अगर किसी के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए तो आप चाहिए पार्टी की तरह बैठ करके कोर्ट वाले पक्ष को सत्यनिधि अरे कोई तुलनात्मक बात करेंगे, कोई तर्कपूर्ण बात करेंगे, केवल ये सत्येंद्र जी की चिंता करिए, केजरीवाल जी की चिंता करिए, उनसे भी पूछताछ आप दोनों के पास वापस आऊंगी। लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल अब सीधा आपसे ये है कि हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी क्षेत्र में किसी नए नेता को या किसी भी नए कार्यकर्ता को जब पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, तो जितना मुझे पता है मेरे हिसाब से कि वहां का मंत्री जो विधायक है या जो भी सांसद है वो मौजूद रहता है, तो क्या नंद गोपाल गुप्ता की जो नाराजगी है वो सही है, बिल्कुल सटीक माना जा रहा है इसको? ये अंतर कलह है भाजपा की, जिसको कि ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जो आदत है और बेशर्मों की जरा बीच में बोलने की जो आदत है,
ये इसी वजह से है। अगर ये विपक्ष में है तो बोलिए, बीच में लगातार बोले और ये साबित करें पहले कि जो नंद गोपाल नंदी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा एक कंपनी की तरह संचालित की जा रही है, वो तथ्य गलत है। अपने मंत्री को गलत साबित करें, अपने मंत्री को नोटिस दें और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए 6 वर्ष के लिए निष्कासित करें। सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। एक जो दिल्ली दौड़ता है लगातार कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश आते ही स्टूल पे बिठा दिया जाता है, एक जो लगातार छापे मारता है लेकिन उसके छापा मारने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं दिन पे दिन अपने साथ दम तोड़ रही है, और तीसरा जो लोक भवन में बैठ कर निर्देशित करता है अधिकारियों को लेकिन अधिकारी उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश तो एक तरह से 3 इंजन जरूर है लेकिन तीनों इंजन के डब्बे के अंदर जिस तरह से मुख्य इंजन गायब होता है, चलाने वाला, रेल को खींचने वाला, वो इंजन ही गायब है। इंजन कहीं ना कहीं दिल्ली बैठा है। अब वो दिल्ली ऐसा आत्ममुग्धता से इतना प्रेरित है कि उसे अपनी केवल वाहवाही करनी है। पुलवामा जैसा इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के एक राज्यपाल ने उजागर किया, सरकार का हिस्सा जो है, और देखिए आज CBI उसके घर भेज रहे हैं। तो भाई इस तरह समय काट काट करके दूसरी सरकारों की कार्यों का फीता काट के अपनी वाहवाही करवा के झूठी कब तक समय काटेंगे? सच सामने आ गया। एक आखिरी बात, 10 सेकंड मुस्कान, एक 10 सेकंड मैं पूछता हूं कि केसी जैन जी केवल इतना कह दे कि क्या नंदी को अतीक अहमद के मामले में क्लीन चिट दे दी इन्होंने, हाँ या ना? ठीक है तकी साहब, बस 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी डी कंपनी की तरह चल रही है, जिसके हेड जो है माफिया की तरह चला जा रहा है, जिसके हेड जो दिल्ली बैठे हुए हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ किसी की भी, उत्तर प्रदेश में पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की उसमें चल रही है, किसी मंत्री को हैसियत नहीं है, सिर्फ लोग पद बैठे हुए दिखाने के लिए चेहरे है, सारा कंट्रोल पीछे से डी कंपनी पीछे दिल्ली बैठी हुई है जो उसको चला रही है। और यहाँ किसी, चाहे योगी जी हो, चाहे वो जो केशव मौर्य हो, चाहे विजय पाठक जी हो, उनका कोई महत्व नहीं है, उनके कोई मतलब चलनी चलती दिखाते तो है मीडिया में कि वहाँ छापे मार रहे, ये कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है। ये बताइए विजय पाठक जी ने जितने छापे मारे हैं, भ्रष्टाचार पकड़ा है, वो तो पिछली सरकार का भ्रष्टाचार पकड़ा है, क्या क्या कार्रवाई करी गई? पैसे खा जा रहे बीजेपी के मंत्री, पैसे खा रहे हैं दिनेश खटेक, इनके MLA है, उनके मंत्रालय मंत्री है, इनके दो बार MLA है, उन्होंने आरोप लगाए थे ऊपर। ठीक है केसी जैन जी, मैं सीधा आपके पास आती हूँ कि एक तो आपने पहले प्रयागराज से नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी को टिकट नहीं दिया और फिर उसको कवर अप करने के लिए ये बोल दिया कि हम एक पार्टी एक पद और एक टिकट के सिद्धांत पर चलते हैं। फिर उसके बाद आपने बिना नंद गोपाल गुप्ता नंदी को विश्वास में लिए सईद चंद्र शुक्ला को भाजपा ज्वाइन करा ली, जिसके बाद अब पहली बार खुलकर भाजपा के खिलाफ आ गए हैं। तो आखिर नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो कि आप ही की सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री हैं, आपने उनको साइडलाइन क्यों किया? आखिर आप क्यों उनको साइडलाइन कर रहे हैं धीरे धीरे? देखिए कहीं पे एक साइडलाइन नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही अधिकार है किसी नेता, किसी मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री को जो अपनी बात खुल करके वो कह सकता है। बाकी किसी पार्टी में ये अधिकार किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री को नहीं है कि वो अपनी बात, अपनी शिकायत पार्टी के समक्ष भी रख सके। तो ये पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का ये संविधान है जो कि इस तरीके का अधिकार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को देता है। दूसरी बात ये कि आप चाहे देख लीजिए लखनऊ के मेयर पद का प्रत्याशी हो, चाहे नंदगोपाल नंदी जी की वाइफ का मामला हो, तमाम सारे टिकट उन लोगों को दिए गए हैं जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता। शाहजहांपुर का बता दीजिए भाई, हमारी कैंडिडेट को आप ले गए हैं, उसी कैंडिडेट के परंपरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी आपके नेताओं ने सड़क पे विधवा प्रलाप किया था, पत्रकार को जिंदा जलाने के आरोप लगे थे, आज आपकी प्रत्याशी है। जो सबसे बड़े चोर है जी, आपके पास क्या, आपके पास क्या कार्यकर्ता नहीं है क्या? योग्य क्या योग्य कार्यकर्ताओं को पैसे न देने के कारण दरकिनार कर दिया गया? किसी जैन जी बताइए, ये जो उछल कूद करने वाले नेता होते हैं। किसी जैन जी, अभी आपने ये कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है लेकिन अभी खुलकर सामने आए हैं और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब इसमें चुटकी भी ले रही है।
कि उन्हीं के सरकार के इतने बड़े मंत्री जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज कराया, जो औद्योगिक विकास मंत्री है, अब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। मुस्कान जी देखिए, अगर लेकिन वो पार्टियां ध्वस्त हो चुकी है, वो क्या सवाल खड़ा करेंगी? आपसे हमने बताया समाजवादी पार्टी के चाहे मुक्कल नवाब हो, चाहे उसके पार्टी रहे हो रहे हो, पढ़ना या तो बहू है वो बात जनता पार्टी के मामले पे हो सकता है यही राहत मिले कि वो मुंह बंद करके चुपचाप साइडलाइन कर दी जाए। पार्टी से आगे संजय सेठ आ गए, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर वो आज भारतीय जनता पार्टी में है, और कांग्रेस के कितने नेता आज भारतीय जनता पार्टी में है, और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता दूसरे दलों में है, ये भी तो बताइए। उनके भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता दूसरे दलों में है, पार्टी है 50% ये कोई परिपाटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रहे हैं भाई गंदगी। ठीक है केसी जैन जी, अभी आपने कहा कि बहुत से सपा के नेता जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस सतीश चंद्र शुक्ला को आपने बीजेपी में दोबारा शामिल किया है, वो पहले बीजेपी में थे, फिर सपा में थे, और अब उनकी दोबारा घर वापसी हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सपा के ही नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा के भी नेता सपा में जाते हैं। देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि तमाम सारी पार्टी के लोग एक दूसरी पार्टी में आते हैं जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिस पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है, आप देखिए वो चाहे आम आदमी पार्टी हो और अतीत को लेकर के जिस प्रकार से बचाव ये पूछिए, भाजपा पे आरोप लगा है कि कंपनी की तरह संचालित हो रही है भाजपा, कंपनी की तरह लाभ हानि के मामले में लाभ और हानि कमाना उद्देश्य है पार्टी का केवल, ये नंद गोपाल नंदी के औद्योगिक मंत्री के आरोप इस सवाल को पूछिए, कितना व्यापार कर रही है भाजपा, कैसे 5-स्टार कार्यालय बनाई भाजपा ने, पीएम केयर का हिसाब क्यों नहीं देंगे, इसके बाप की जागीर है पीएम केयर, जनता के टैक्स का पैसा पैसा है। समाजवादी पार्टी के लोग उमेश पाल के घर मिलने गए, आतंकवादियों को घोषित करने वाली भाजपा जो आतंकवादियों को टिकट देती है, आतंकवादियों के साथ जाकर के पार्टी सरकार बनाती है। सर केसी जैन जी मुद्दे से भटकिए नहीं, यहाँ मैं उमेश पाल हत्याकांड में कौन किसके घर गया, कौन कहाँ गया, ये जानना नहीं बिल्कुल चाह रही हूँ। जिस तरीके से प्रयागराज में दो बड़े नेताओं की लड़ाई खुल के सामने आई है ना, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे वो नंदगोपाल गुप्ता नंदी हो, क्योंकि इशारों में नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है, तो इन दोनों नेताओं की लड़ाई में क्या आपको नहीं लगता कि निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है? कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया है, और 16 में से 14 मेयर अभी हमारे पास पिछली बार हम जीते थे, इस बार 17 सीटें हैं, 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और बड़ी संख्या में सभासद के और चेयरमैन के जो पद है उनको जीतने वाली है, और आप देखिए कई जिलों से इन विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुलेगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। विवेक जी, जब शफीकुर रहमान बर्क ने बीते दिनों एक प्रत्याशी को समर्थन दिया था निकाय चुनाव के मद्देनजर, तो भाजपा उस पर तमाम तंज कसते हुए नजर आई थी, लेकिन अब उन्हीं के दो बड़े मंत्रियों के बीच कोल्ड वॉर की खबर निकल के सामने आई है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए भाजपा शुरू से द्वंद की राजनीति करती है, प्रतिशोध की राजनीति करती है, फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, कंपनी मानसिकता से प्रभावित है। मैं तो आपसे एक सवाल कहूंगा मुस्कान, आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो रट्टू तोते की तरह केवल वाहवाही में लगे रहते हैं, इनको लगा दिया गया है छवि प्रसार पे केवल। जो नंदगोपाल नंदी ने आरोप लगाए हैं भाजपा में कि कंपनी की तरह संचालित हो रही है, ये आरोप तो हम भी लगा रहे थे, सालों साल से लगा रहे हैं कि भाजपा कंपनी राज में सामंतवादी मानसिकता को पोषित कर रही है और अपने विशेष राजघरानों को केवल इस समय बढ़ाने में लगी हुई है। तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि अडानी के मामले पे और अतीक के मामले में ये चुप क्यों है? दूसरी बात, आज नंदी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के आपको उनके कनेक्शन हो सकता है मिल रहे हो अतीक के साथ, भाई सुविधा शुल्क था या उनका हिस्सेदारी थी, लेकिन लाभ तो सबने लिया। अब नंदी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकने का समय आ गया है, तो अब नंदी इसके आगे कुछ कहेंगे तो उनके घर भी ईडी सीबीआई जाएगी, और भाजपा चाहती है उसके पहले ही उससे कन्नी काट करके अपना पल्ला साफ कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको न्यायपालिका मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, और जिस तरह से एक आरोप लगने के बाद ना योगी जी ने कुछ कहा, ना उनसे उनके खिलाफ कोई शिष्टाचार कोई नोटिस देकर के कार्रवाई की गई, ना उनसे कोई जवाब मांगा गया, सवाल तो उठेंगे। अब कहीं ना कहीं अतीक की हत्याकांड में बड़े नामों को दबाने के लिए नंदी को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है नंदी को सामने आकर के बयान देना चाहिए खुल करके। अगर नंदी में थोड़ी भी नैतिकता बची है, राजनीतिक थोड़ा भी इच्छा शक्ति बची है,
तो मुझे लगता है दल श्रेष्ठ नहीं होता है, जनता श्रेष्ठ होती है। अगर नंदी का जनाधार होगा तो वो किसी भी दल में होंगे, उनकी जनता उनको सर पे बिठा के रखेगी। लेकिन अगर अपने राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए नंदी ने आज अपने आप अपनी नीतियों से समझौता किया, तो यकीन मानिए भाजपा का इतिहास देख लीजिए, भाजपा नंदी को साइडलाइन करके एक आम आम छोटा मोटा नेता बना करके खत्म कर देगी। ठीक है, केसी जैन जी, जो खबरें हमारे तक लगातार सूत्रों के हवालों से ये पहुंच रही है कि नाराज मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अब दिल्ली भी पहुंच गए हैं इस मामले को लेकर, तो क्या यूपी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी जो उनको दिल्ली जाना पड़ा? जी केसी जैन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है तकी साहब, जीत को लेके नगर निगम चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस का जो है गलत इस्तेमाल करती है, पुलिस के अधिकारियों गलत इस्तेमाल करती है और डीएम जो उसको गलत इस्तेमाल करती है, उन लोगों को कहती है भाई इस जिले से हमें इतने वार्ड, इतने जिले से उतने वार्ड, इतने नाम देखा पिछली बार इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जिन वार्डो के लोगों की वोट 100-150 से आगे चल रहे थे समाजवादी पार्टी से, उनको घोषित कर दिया कि जीत गए चुनाव। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझ रहा है थोड़ी चुनाव जीतनी है, उसकी आवश्यकता है कि उनकी कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े करती है जिनको कोई पहचानता नहीं, जिनका वार्ड से कोई मतलब नहीं, जीत जाएंगे आश्वस्त है, जनता नहीं पहचानती उसको। बीजेपी को जीत को लेकर आश्वस्त है उसकी है कि उसने भ्रष्टाचार करप्ट है और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, डीएम का दुरुपयोग कर रही है, उसके जरिए वार्ड जीते जाएंगे, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इनसे बताइए, इनकी कई साल से 27 साल से लखनऊ का मेयर बीजेपी का है, कई वार्डों में 30 साल से सभासद बीजेपी का है, क्या काम किया है जनता की भलाई के लिए? आइए मेरे साथ कैमरा लेके आप आइए, मैं तो रोज कंपेनिंग कराता हूँ लोगों को, मैं दिखाऊंगा आपको वार्डों क्या हाल है, स्कूलों क्या हाल है, अस्पतालों क्या हाल है, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोर्ड लगा हुआ है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा बड़ा स्वर्गीय लाल जी का, वहाँ हालत क्या है, स्कूलों की अस्पतालों की हालत है, सड़कों की हालत है, खरजों की हालत है, नालियां कितनी गंदी है, कूड़ा फेंका नहीं जा रहा है, कूड़े पूरा पूरे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर कूड़ा घर बनते चले जा रहे हैं। ठीक है विवेक, जब इस मसले को लेकर छोटी सी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए मुस्कान, आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा का पूरी तरह से पतन अंत की ओर है और भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा मुक्त भारत उत्तर प्रदेश और देश ये जनता करने जा रही है। आगामी चुनाव में जिस तरीके की चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां सबसे बड़ी है कानून व्यवस्था को लेकर के, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेकर के। इनके मंत्रियों ने कागजी विकास तो बहुत किया है बजट को खपाने के लिए, लेकिन सत्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है इनकी दुराचारी नीतियों से, इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों से। पुलवामा जैसे हमले पे आज बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है एनआईए जैसी जांच एजेंसियां, एनआईए, आईबी, रॉ जैसी जांच एजेंसियां और जिम्मेदार अधिकारी भी उसमें मौन बैठे हैं। लेकिन हमेशा कलयुग का अंत होता है और एक नया युग आएगा जब जिम्मेदार अधिकारी होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, ये फाइलें खुलेंगी और सच सामने आएगा देश के कि पुलवामा में कैसे राजनीति के नाम पे 40 जवानों को शहादत की बलि चढ़ाई गई है और उनके नाम पे वोट मांगा गया है। लेकिन जिस दिन वो बात सामने आएगी, इन जिम्मेदार अधिकारी मंत्रियों के जो वंशज होंगे वो शायद कलंकित किए जाएंगे इस देश में देशद्रोही कहकर। ठीक है तकी साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अपने भी दीजिए, समय की कमी होने के कारण हम ज्यादा देर तक इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये देखिए आने वाला समय, आने वाला युग जो है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का है, समाजवादी पार्टी का है, ठीक है, और आम नागरिक जो है जागरूक हो गया है, वो सत्ता परिवर्तन चाहता है, पिछले कई साल से लगातार नगर में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम पे, उनको बदलना चाहता है, लोग अपना अधिकार मानना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी को चुनाव देंगे। आम आदमी पार्टी ने सबको, सारे समुदाय के लोगों को सबको स्थान दिया, सबको सम्मान दिया है, सबको प्रतिनिधि दिया है और इस बार जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, अपने महिलाओं को भी टिकट दिया है, छात्रों को भी टिकट दिया, सबको टिकट दिया है और सब शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग हैं जिनको हमने टिकट दिया, सबसे गर्व की बात हमारी ये है। तो आम आदमी पार्टी के साथ जनता जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करती है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है, जनता के अधिकारों की बात करती है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। दरअसल जो बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें भी औद्योगिक विकास मंत्री की एक अहम भूमिका रही है, लेकिन अब नंदगोपाल गुप्ता नंदी रईस चंद्र शुक्ला को जिस तरीके से भाजपा में शामिल किया गया उससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह यह है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें रईस चंद्र शुक्ला सपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, जिनको नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने एक भारी
बहुमत के साथ और भारी अंतर के साथ हरा दिया था। ऐसे में बिना नंद गोपाल गुप्ता नंदी को विश्वास में लिए जब भाजपा ने रईस चंद्र शुक्ला को शामिल किया तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सामने आ गए। जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर वैसे ही सियासी पारा हाई चल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी की नाराजगी हो सकता है निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रयागराज में एक बड़ा नुकसान पहुंचाए। अब फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी आगे क्या रुख अपनाते हैं, इसी पार्टी में बरकरार रहते हैं या फिर उनका आगे का जो निर्णय होगा वो क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के हमारे इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।